अगर आपको भी फैटी लीवर है तो व्यायाम के साथ आहार में इन चीजों को शामिल करें। नमस्कार, दादी योगा चैनल में आपका स्वागत है। देखिए, आज पहले फैटी लीवर क्या है। फैटी लीवर यानी लीवर में देखिए फैट कुछ मात्रा में होता है, लेकिन एक निश्चित मात्रा से अधिक जब फैट लीवर में जमा हो जाता है तो उसे फैटी लीवर कहते हैं। और फैटी लीवर इस ऐसी समस्या है कि आज डॉक्टर के पास 10 मरीज अगर जा रहे हैं तो 8 को फैटी लीवर निकल आता है। इसके पीछे कारण हमारी लाइफ स्टाइल, हमारा आहार है। आज हमारे सोने उठने का समय भी निश्चित नहीं है, हम लेट नाइट सोते हैं, पार्टियां करते हैं, जंक फूड फास्ट फूड खाते हैं और सुबह देर तक सोते रहते हैं। हमारा बॉडी क्लॉक सूरज के साथ नहीं मैच कर रहा है तो मेटाबॉलिज्म धीमा हो जाता है और ये जो शरीर में जो फिर जो हम खाते हैं वो फैट जमा हो जाता है। वैसे तो शरीर निकालता है, लेकिन हमने कहा ना हमारी लाइफ स्टाइल और वो फैट की ली जाने वाली मात्रा, क्योंकि आज हमारे जो फूड है वो उसमें जंक फूड है, फास्ट फूड है, टिंड यानी हम पैक्ड वैसे फूड लेके आते हैं, जूसेस वगैरह, या फिर पैक्ड फूड ले लेते हैं, तला भुना मसालेदार हम अधिक खाते हैं। तो इसका जो कारण, इसकी वजह से जो मैंने बोला हमारे शरीर में फैट की मात्रा बढ़ जाती है। और ये जो फैट की मात्रा लीवर में बढ़ती है तो लीवर एक सीमा के बाद तो नहीं रखेगा, वो बाहर ब्लड में छोड़ देता है, जिसकी वजह से आपको आर्टरीज में भी जमने लग जाता है। और उसके अलावा अगर ब्रेन के उसमें नसों में चली गई तो ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है और आपका ब्लड प्रेशर भी बढ़ सकता है। बहुत सी समस्या है और डायबिटीज भी यहीं से शुरुआत होती है। तो क्यों नहीं हम अपने आहार को थोड़ा बदलें, और व्यायाम तो जरूरी है। मैं आपको व्यायाम का दूसरा वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि इसमें सिर्फ ज़्यादातर आपको एब्डोमिनल एक्सरसाइज ही चाहिए ताकि पेट के आसपास जितनी भी चर्बी है वो हट जाए। तो मैं आपको पहले आहार की बात बताती हूँ, सुबह शुरुआत कैसे करेंगे। सुबह की शुरुआत सबसे पहले आप समय पर उठिए, उठ के नींबू पानी जिसमें थोड़ा अदरक हो 1 चम्मच रस और उसमें थोड़ा सा हल्दी हो 1/2 चम्मच, उस गुनगुने पानी से सुबह की शुरुआत करिए। कम से कम 2 गिलास पानी जरूर पिए और उसके बाद आप व्यायाम करिए। मैं व्यायाम का बोलिए अलग वीडियो बनाऊंगी, 30-35 मिनट 40 मिनट कम से कम इतना करना पड़ेगा, क्योंकि जिद्दी फैट इतनी आसानी से नहीं जाएगा। और उसके बाद आप व्यायाम के बाद जब ब्रेकफास्ट करेंगे तो ब्रेकफास्ट में आपको ये अखरोट बहुत अच्छा है आपके लिए, और सारे सीड्स अच्छे हैं यानी सनफ्लावर, पम्पकिन सीड और इसके अलावा ये आपका अलसी के बीज बहुत अच्छे हैं, आप वो लीजिए। साथ में आपको अगर फल लेना है तो एप्पल लीजिए, एप्पल आप 1 से 2 जरूर आपको खाना चाहिए, आप किसी भी समय खाइए, 2 एप्पल आपको जरूर लेना चाहिए, क्योंकि लीवर के लिए एप्पल में एक ऐसे एंजाइम है जो आपके पेट गट बैक्टीरिया को स्ट्रॉन्ग करते हैं, जिससे कि आपका मेटाबॉलिज्म सही होता है, खाना सही पचता है, शरीर में फैट जमा नहीं होने पाता। इसलिए आप 2 एप्पल कोशिश करिए कि किसी भी, एक सुबह ले लीजिए, एक शाम को ले लीजिए, ये आपके ऊपर है कि आप किस समय खाते हैं। अच्छा, आपने ये ब्रेकफास्ट कर लिया, उसके बाद खाने से पहले आपको निश्चित रूप से एक बड़ी प्लेट रंगीन सलाद की खानी है। जो भी सीजनल सलाद आ रहा है आप वो सलाद खाइए। और उसके बाद खाने में मैं बोलूँगी कि अगर आप ज्वार की रोटी खाते हैं तो ज्वार से अच्छा कुछ नहीं है, क्योंकि उसमें फाइबर बहुत है, उसका फाइबर आपके लीवर के जो मतलब फैट जो शरीर में जमा है उसको निकाल के बाहर कर देगा। तो आप ज्वार की रोटी खाइए, वरना मिलेट ले सकते हैं, मिलेट भी बहुत अच्छा है, अभी आजकल मिलेट बहुत चलन में भी है, लोग खा रहे हैं, निश्चित रूप से उसके लाभ भी हैं। तो आप मिलेट की रोटी, और सब्जी की बात करूं तो ब्रोकली बहुत अच्छी है, पत्ता गोभी, फूल गोभी, केल, पालक, हरी जितनी भी सब्जियां हैं पत्तेदार बहुत अच्छी हैं आपके लिए। इनके अंदर ग्लूटाथियॉन नामक एक तत्व रहता है जो आपके ये जो क्या करता है, लीवर को साफ करने वाले एंजाइम को सक्रिय कर देता है, जिसकी वजह से लीवर में से गंदगी बाहर निकलती है। आप सारी फलियां खा सकते हैं, फलियां आपके लिए बहुत अच्छी हैं, और
इसके अलावा आप शाम के समय बोलेंगे तो मैं बोलूँगी कि देखिए देसी काला जो चना है, चाहे आप भुने चने के रूप में खाएं, चाहे भीगे खाएं, चाहे उबले खाएं, चाहे सब्जी के रूप में बना के खाएं, काला चना आपके लिए बहुत अच्छा है। किसी भी रूप में आप ले सकते हैं, स्नैक्स के रूप में ले सकते हैं, वरना शाम को फिर से कोई खट्टा फल जरूर लें। खट्टे फल के अंदर मैंने बोला एक तो सेब है, नाशपाती है, संतरा है, इसके अलावा आप जामुन बहुत अच्छा है, जामुन ले सकते हैं, कीवी ले सकते हैं, ऐसे आपके लिए खट्टे फल बहुत अच्छे हैं। आप इन फलों में से कोई भी फल ले सकते हैं। और शाम का खाना कोशिश करें कि आप जल्दी खाएं, लेट नाइट खाएंगे फिर से वही बात है कि मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा, फैट जमने लगेगा। शाम का खाना 6:30 तक कोशिश करें या 7 तक तो हर हालत में खा लें, हर हालत में, क्योंकि वरना फिर वो अब पचेगा नहीं। और दोपहर में खाने के संग पानी नहीं पीना है, शाम को आप सूप पीजिए। दोपहर में आप छाछ ले सकते हैं, बहुत पतली क्रीम निकाले हुए दही की छाछ, छाछ बहुत अच्छी है आपके लिए। बाकी मैंने आपको कोई चीज़ नहीं बताई है। हाँ, अगर सब्जी छौंकने के लिए अगर आपको कुछ चाहिए तो जैतून का तेल आपके लिए बहुत अच्छा है। तो मैंने आपको जितनी चीज़ें बताई है, अगर आहार में ये बदलाव करेंगे और उसके साथ व्यायाम करेंगे तो कैसा भी फैटी लीवर हो, हर हालत में आपका ठीक होगा और आप स्वस्थ आराम से हो सकते हैं। मेरा अगर आज का वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करेंगे और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कैसा लगा। मैंने अपनी जान में आपको भरपूर जानकारी दी है। और मेरे चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।